हेलो, वेलकम टू संजीवनी डिया स्टूडेंट, दिस इज शेखा कुलश्रेष्ठा बिफोर यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में है। इससे पहले मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने इम्पैक्ट प्रिंटर्स आपको डिटेल में समझाए थे। आज के लेक्चर में मैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को समझाऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो मेरा पीपीटी है, इट इज़ अबाउट द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, आज के लेक्चर में हम इसी को एक एक करके समझेंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, लगातार एंड तक देखिए। जैसा मैंने बताया था आपको कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, प्रिंटर्स के संबंध में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है आपका, जो कि कंप्यूटर में मौजूद डिजिटल डेटा को आउटपुट के रूप में यूजर के सामने हार्ड कॉपी के रूप में प्रस्तुत करता है, वो क्या कहलाता है, प्रिंटर कहलाता है। मैंने इसकी दो तकनीकें बताई थी, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट टेक्निक। इम्पैक्ट टेक्निक जिसमें हमर का उपयोग होता है, हमर की सहायता से रिबन पर दबाव बनाया जाता है जिससे पेपर पर एक आउटपुट छप करके आता है। ये जो है हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के संबंध में पढ़ रहे हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का मतलब है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिनमें प्रिंट हेड का उपयोग होता है और ये प्रिंट हेड किसी भी प्रकार का कागज़ पर इम्पैक्ट नहीं बनाते हैं। इम्पैक्ट नहीं बनाते हैं यानी कि किसी भी प्रकार का कागज़ पर दबाव नहीं बनाते हैं, ये बिना दबाव बनाए बिना इम्पैक्ट दिए हुए कागज़ पर प्रिंटिंग को प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार के प्रिंटर्स क्या कहलाते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की डेफिनेशन। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में प्रिंट हेड या कागज़ के मध्य में संपर्क नहीं होता है यानी कि हमर का उपयोग नहीं होता है। इसमें लेज़र प्रिंटिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है और इसकी जो क्वालिटी है, इट इज़ मोर हायर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अगर हम इसका एक ये यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के संबंध में ये डिटेल बताया है ये चार्ट। सो देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, फोर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। दीज आर लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स, और यदि हम बात करें तो इसमें थर्मल प्रिंटर्स, पोर्टेबल प्रिंटर्स एंड मल्टी टास्किंग प्रिंटर। दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। यदि आपको थोड़ा ध्यान हो, मैंने इम्पैक्ट प्रिंटर जब बताए थे, समझाए थे, उसमें मैंने आपको बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर को दो कैटेगरी में बांटा था, सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर और डीएमपी प्रिंटर। और सॉलिड फॉन्ट में मैंने आपको डेजी व्हील प्रिंटर बताया था, आपका चैन प्रिंटर बताया था, बैंड प्रिंटर बताया था और डैम प्रिंटर बताया था। इसी प्रकार से हम जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को भी इन चार कैटेगरीज में हम जो है बांट सकते हैं। दीज आर द फोर कैटेगरीज ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं इन्हीं को एक एक करके समझाऊंगा कि ये किस किस प्रकार से काम करती हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा इस तरीके का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का ये चार्ट किस तरीके से बनता है। आप इसको अपने कागज़ पर, अपने नोट्स पर इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। अगर हम लेज़र प्रिंटर की बात करें, व्हाट इज़ अ लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के आया से हो रहा है, यानी कब से चल रहा है आपका लेज़र प्रिंटर का उपयोग, 1970 के दशक से लेज़र प्रिंटर का उपयोग किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ओटी बन सकती है इसमें से कि लेज़र प्रिंटर का उपयोग कंप्यूटर में कब से प्रारंभ किया गया है। तो लेज़र प्रिंटर का प्रयोग 1970 के दशक से किया गया है। ये प्रिंटर आजकल अत्यधिक लोकप्रिय हैं, ये अपेक्षाकृत अधिक तेज होते हैं और इनकी जो क्वालिटी होती है, जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों तरह की चीज़ों को प्रिंट करने में ये प्रिंटर सक्षम होते हैं, तो काफ़ी अच्छे प्रिंटर माने जाते हैं लेज़र प्रिंटर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट, अधिकांश लेज़र प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर होता है, रैम होती है और रोम होती है ना। लेज़र प्रिंटर आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम प्रिंट कमांड दे दें तो लेज़र प्रिंटर ऑटोमेटिकली फाइल को प्रिंट करता रहता है। क्यों करता रहता है, क्योंकि लेज़र प्रिंटर के पास में खुद का एक मेमोरी बफर होता है जहाँ पर वो डेटा को स्टोर करके रखता है। आप जिस भी फाइल को प्रिंट कमांड दोगे उसकी एक कॉपी प्रिंटर की मेमोरी में अपलोड हो जाती है। सो लेज़र प्रिंटर इज़ अ वेरी हाई टेक्नोलॉजी प्रिंटर, जहाँ पर
उसके पास में खुद का प्रोसेसर, खुद की रैम और खुद की रोम होती है लेजर प्रिंटर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, इस प्रिंटर में कॉर्टेज का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर सूखी स्याही भरी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सूखी स्याही भरी होती है लेज़र प्रिंटर के अंदर, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि लेज़र प्रिंटर में किस प्रकार की इंक का उपयोग किया जाता है, तो लेज़र प्रिंटर के अंदर किस तरह की इंक का उपयोग किया जाता है, ड्राई इंक का उपयोग किया जाता है, सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें देखें, लेज़र प्रिंटर 300 to 600 DPI या उससे भी अधिक रिजोल्यूशन में प्रिंट करने में सक्षम होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था रिजोल्यूशन के संबंध में कि रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन का तात्पर्य क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल इन अ पर्टिकुलर स्क्रीन एरिया, एक स्क्रीन एरिया में मौजूद पिक्सल्स की संख्या ही क्या कहलाती है, रिजोल्यूशन कहलाती है। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, रिजोल्यूशन के संबंध में यहाँ पर जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो क्वालिटी होती है, इट इज़ अबाउट 300 to 600 DPI। यहाँ पर DPI से तात्पर्य है डॉट पर इंच। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, एक OT बन सकती है इससे रिलेटेड, कि प्रिंटर की क्वालिटी को किस में मापा जाता है, तो प्रिंटर की क्वालिटी को DPI में मापा जाता है, डॉट पर इंच में मापा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, प्रिंटर की क्वालिटी को DPI में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यह प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनमें छापने की गति काफ़ी उच्च होती है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर, एज़ कम्पेयर टू DMP प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है और प्रिंटिंग स्पीड होती है, इट इज़ मोर हायर देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये जो लेज़र प्रिंटर होते हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में या इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में। तो मुझे उम्मीद है लेज़र प्रिंटर आपको समझ में आया होगा। लेज़र प्रिंटर ये एक चित्र बना हुआ है, आप लोगों ने शायद यूज़ भी किया होगा, अधिकतर लोगों के यहाँ लेज़र प्रिंटर होता है, आप लोगों ने दुकानों में देखा होगा लेज़र प्रिंटर को उपयोग में आते हुए, ठीक है। सो ये लेज़र प्रिंटर के संबंध में सारे तथ्य हैं, आप इनको नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, वीडियो को पॉज करके इसको जो है आप नोट कर सकते हो लेज़र प्रिंटर के संबंध में, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, यह एक प्लास्टिक की सीट या अन्य सीट पर आउटपुट प्रस्तुत करने में भी सक्षम होते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर की बहुत अच्छी विशेषता है कि लेज़र प्रिंटर केवल कागज पर ही आउटपुट प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि ये प्लास्टिक की सीट पर, कपड़े पर, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर भी आउटपुट को प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। तो ये लेज़र प्रिंटर की विशेषताएँ हैं। लेज़र प्रिंटर कब से प्रारंभ हुआ है, 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ है। लेज़र प्रिंटर टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। लेज़र प्रिंटर के अंदर ड्राई इंक का उपयोग होता है। लेज़र प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, इट इज़ अबाउट 300 to 600 DPI, डॉट पर इंच इसकी क्वालिटी होती है। लेज़र प्रिंटर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट इसकी स्पीड और इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है, इट इज़ मोर हायर देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और ये कागज के अलावा अन्य प्रकार के आउटपुट जैसे कि प्लास्टिक शीट वगैरह पर भी प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। तो ये लेज़र प्रिंटर की विशेषताएँ हैं। अगर हम इसमें और देखें, फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ लेज़र प्रिंटर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेज़र प्रिंटर के फीचर्स और लिमिटेशंस कौन कौन से हैं। सो अगर हम इन्हें देखें तो हाई रिजोल्यूशन, लेज़र प्रिंटर की विशेषताओं को अगर हम देखें तो हाई रिजोल्यूशन, उच्च प्रिंटिंग गति, अभी मैं ये सारे पॉइंट समझा ही चुका हूँ, उच्च प्रिंटिंग गति, बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त, और कम कीमत प्रति पृष्ठ छपाई, यानी कि पर पेज जो कॉस्ट पड़ती है, इट इज़ मोर लेस देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो सॉरी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में नहीं, ये इसका जो कंपैरिजन किया गया है इस पॉइंट का, कम कीमत प्रति पृष्ठ छपाई, इसका कंपैरिजन किया गया है इंकजेट प्रिंटर से। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में लेज़र प्रिंटर की पर कॉस्ट, पेपर पर कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होती है। अगर हम कंपैरिजन करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो कॉस्ट है, पर प्रिंट कॉस्ट, पर पेपर प्रिंट कॉस्ट जो है वो लेज़र प्रिंटर से भी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे केवल रिबिन का उपयोग होता है, यहाँ पे कॉर्टेज का उपयोग होता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आई होंगी इसकी विशेषताएँ लेज़र प्रिंटर की। लेज़र प्रिंटर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं लेज़र प्रिंटर की, अगर हमें इसमें समझें, सो इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कैसा होता है, महंगा होता है ये लेज़र प्रिंटर। ये जो मैंने बताया था कि इसमें जो तुलना की गई है वो इंकजेट प्रिंटर से भी की गई है।
टोनर तथा डैम का बदलना महंगा पड़ता है। इसमें टोनर का डैम का उपयोग होता है लेजर प्रिंटर में, और उनको रिप्लेस करना इट इज़ मोर कॉस्टली एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर से बड़ा भारी होता है, यानी कि साइज में भी क्या होता है, हैवी होता है, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, साइज़ भी ज़्यादा होता है लेज़र प्रिंटर का, कि और जो है आपका प्रिंट कॉस्ट भी जो है आपका ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और इंकजेट प्रिंटर की तुलना में जो प्रिंट कॉस्ट है वो क्या पड़ती है, कम पड़ती है। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेशंस एंड द फीचर्स ऑफ लेज़र प्रिंटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा लेज़र प्रिंटर के सारे लिमिटेशंस एंड फीचर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये जो डायग्राम है ये आपको बताया है कि लेज़र प्रिंटर कैसे काम करता है, हाउ द लेज़र प्रिंटर वर्क, लेज़र प्रिंटर किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे आपको अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये एक लेज़र गन है जहाँ से एक लेज़र बीम निकलती है, और ये लेज़र बीम टकराती है आपकी मिरर से, मिरर से टकरा कर के ये ड्रम से टकराती है, ये ड्रम कहलाता है आपका। ये लेज़र बीम जो है ड्रम पे आती है, ड्रम पे आती है तो ड्रम क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज होने का मतलब क्या होता है, ड्रम गर्म होता है। और ये एक टोनर है, टोनर में आपका क्या होता है, सूखा पाउडर भरा होता है जो कि इस गर्म ड्रम से टकरा करके पेपर पर प्रिंट होता है, यहाँ से पेपर स्क्रॉल करता हुआ जाता है और जो है आपका कागज़ पर प्रिंट निकल के आता है। ये जो टोनर को या डैम को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, इस समय को बोलते हैं बायम अप टाइम। क्या बोलते हैं ये ध्यान में रखना, बायम अप टाइम, बायम अप टाइम बोला जाता है ये इस समय को। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बायम अप टाइम क्या होता है। तो लेज़र प्रिंटर को गर्म होने में या स्टार्ट होने में, प्रिंटिंग को स्टार्ट करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, बायम अप टाइम कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको लेज़र प्रिंटर की पूरी तकनीकें समझ में आई होगी, लेज़र प्रिंटर अच्छे से समझ में आया होगा आपको कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें लेज़र प्रिंटर के बाद में नेक्स्ट प्रिंटर कौन सा है इसमें, सो नेक्स्ट प्रिंटर इज इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर इज अनदर टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वेरी पॉपुलर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की क्या विशेषताएं हैं आपकी, एन इंकजेट प्रिंटर इज अ कंप्यूटर पेरिफेरल डेट प्रोड्यूस हार्ड कॉपी बाय स्प्रेइंग इंक ऑन टू द पेपर। ठीक है, लेजर प्रिंटर में लेजर बीम का उपयोग हो जाता है प्रिंट करने के लिए, टोनर का उपयोग हो जाता है, ड्रम का उपयोग हो जाता है, बट यहाँ पर इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं होता है। यहाँ पर जो पेपर पर जो प्रिंटिंग की जाती है इंकजेट प्रिंटर में, वो किस प्रकार से की जाती है, जो आपकी इंक होती है उसको स्प्रे करके प्रिंट किया जाता है। जैसे आप होली में पिचकारी चलाते हो तो एक पानी की बौछार निकलती है और वो टकराती है, उसी प्रकार से यहाँ पर छोटी छोटी स्प्रे गन होती हैं जिसमें कलर भरा होता है, और वो कलर गन्स जो है कलर को स्प्रे करती हैं, और वो स्प्रे होकर के कागज़ पे टकराती है जिससे कि एक इमेज बन करके आती है। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है, अ टिपिकल इंकजेट प्रिंटर कैन प्रोड्यूस कॉपी विद अ रिजोल्यूशन ऑफ 300 डॉट्स पर इंच, यानी कि इसकी भी जो क्वालिटी होती है इट इज़ अबाउट द 300 डॉट पर इंच, DPI 300 DPI की इसकी क्वालिटी रहती है इंकजेट प्रिंटर की। सम इंकजेट प्रिंटर कैन मेक फुल कलर हार्ड कॉपी एट 600 DPI, कुछ अच्छी क्वालिटी के जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं इट कैन पेंट 600 DPI पर आपका जो है कलर प्रिंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसकी विशेषता ये है कि ये कलर प्रिंट बहुत अच्छी तरह से करता है, बट इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू आपका जो है लेज़र प्रिंटर। इसी वजह से इंकजेट प्रिंटर को बहुत कम मात्रा में प्रिंट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब अधिक मात्रा में प्रिंटिंग करने का काम होता है तब फिर वहाँ पर हम लेज़र प्रिंटर का उपयोग करते हैं, ना कि इंकजेट प्रिंटर का। इंकजेट प्रिंटर का कुछ पेजेस को ही प्रिंट करने के लिए हम किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मात्रा में अगर हम इससे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ती है। तो ये उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर दोनों के संबंध में। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट है ये दोनों तकनीकें, काफ़ी इंपोर्टेंट है इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर, बहुत ज़्यादा वेरी इंपोर्टेंट टेक्निक्स जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सभी ने इन दोनों प्रिंटर्स को देखा ही होगा, ऑफिस में काम होते हुए, दुकानों में काम होते हुए सभी ने देखा ही होगा। ये जो है आपका प्रिंटर है, आपका कैनन का प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर्स। आगे हम देखते हैं इसमें
एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंकजेट प्रिंटर्स अगर हम इसको समझें। सो एडवांटेज ऑफ इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स के क्या एडवांटेज होते हैं वो हम पहले समझते हैं। इसमें इंकजेट प्रिंटर्स में क्या है, लो कॉस्ट, कॉस्ट कम होती है आपकी इंकजेट प्रिंटर की, यानी कीमत कम होती है एज कंपेयर टू लेज़र प्रिंटर, यानी लेज़र प्रिंटर की तुलना में इसकी कीमत क्या होती है, कम होती है। हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट, कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग फाइन एंड स्मूथ डिटेल, यानी कि आउटपुट कैसा आता है इसका, काफ़ी उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का आउटपुट होता है इसके अंदर। ये कई कलर्स में प्रिंट करने में सक्षम होता है, विविड कलर लिखा हुआ है, यानी कि इट कैन प्रिंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर मोड। कि कौन सा आपका इंकजेट प्रिंटर, जैसे मैंने बताया कि इंकजेट प्रिंटर इज यूज फॉर प्रिंटिंग इन डिफरेंट कलर मोड, इजी टू यूज, यूज करने में आसान होता है, रीजनेबली फास्ट, गति तेज होती है। किसकी तुलना में ये, इसकी गति लेज़र प्रिंटर से धीमी होती है, बट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से इसकी गति तेज होती है, क्वाइटर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में कैसा होता है, क्वाइटर का मतलब होता है शांत, धीमा होता है, बल्कि आवाज़ नहीं करता। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, साउंड करता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, बट इंकजेट प्रिंटर उतनी आवाज़ नहीं करता है, किसकी तुलना में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में। नो बायम अप टाइम रिक्वायर्ड, ये जो इसका डिफरेंस, इसमें जो कंपैरिजन किया गया है ये किससे है आपका, ये जो कंपैरिजन है इट इज़ विद द लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर को चालू होने में बायम अप टाइम की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने बताया था कि डैम चार्ज होता है लेज़र की सहायता से, तभी प्रिंट पॉसिबल हो पाता है, बट इंकजेट प्रिंटर में किसी भी प्रकार के बायम अप टाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे सारे पॉइंट। डिसएडवांटेज ऑफ इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर के कुछ डिसएडवांटेज भी दिए हुए हैं, वो हम समझ लेते हैं कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं इंकजेट प्रिंटर्स के। अगर हम इसमें देखें, प्रिंट एज इज लेस ड्यूरेबल प्रोन टू क्लॉगिंग एंड डैमेज, यानी कि जो इसका प्रिंट एड होता है वो काफ़ी कम समय तक चलता है। कुछ टाइम के बाद में इंकजेट प्रिंटर के आउटपुट में आप देखोगे तो छोटे छोटे कलर के धब्बे आने लगते हैं, इसको क्लॉगिंग बोला जाता है, ठीक है। एक्सपेंसिव रिप्लेसमेंट इंक कॉर्टेज, इंक कॉर्टेज को बदलना क्या होता है, काफ़ी महंगा पड़ता है, ठीक है। नॉट गुड फॉर हाई वॉल्यूम ऑफ प्रिंटिंग, ये मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था कि काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रिंट करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कौन सा प्रिंटर है आपका, इंकजेट प्रिंटर। प्रिंटिंग स्पीड इज नॉट एज फास्ट एज लेज़र प्रिंटर, देखो यहाँ पे अभी जो मैंने बताया था आपको लास्ट में कि इसकी जो स्पीड है यह रीजनेबली फास्ट दिया हुआ है, इसकी जो स्पीड है वो डॉट मैट्रिक से ज़्यादा होती है, बट लेज़र प्रिंटर से धीमी होती है, किसकी स्पीड, इंकजेट प्रिंटर्स की, ठीक है। और ये इसका एक और विशेषता है, इसकी कमी है कि जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये लिक्विड कलर का यूज करता है ना, जैसे मैंने बताया था आपको कि लेज़र प्रिंटर ड्राई इंक का यूज होता है लेज़र प्रिंटर में, जबकि इसमें की जो कॉर्टेज होती है उस कॉर्टेज में लिक्विड कलर होता है, और लिक्विड कलर का उपयोग होने की वजह से क्या होता है कि इस पर अगर पानी की एक बूंद भी पड़ जाती है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, तो वो पूरा जो है आउटपुट ख़राब हो जाता है इंकजेट प्रिंटर का। कैन नॉट यूज़ हाईलाइटर मार्कर ऑन द इंकजेट प्रिंट आउट, यानी इंकजेट प्रिंटर के प्रिंट आउट पर हाईलाइटर और मार्कर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हाईलाइटर और मार्कर में वाटर होता है, पानी होता है, और उसके संपर्क में आने से इंकजेट प्रिंटर के आउटपुट का जो है, इंकजेट प्रिंटर के आउटपुट ख़राब हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर हाईलाइटर या उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सब समझ में आया होगा किस तरीके से काम करता है इंकजेट प्रिंटर। दो प्रिंटर मैंने आपको बताए हैं, अगर कहीं कुछ कमी लगे हो, नहीं समझ में आई हो, तो वीडियो को आप जो है रीप्ले करके भी देख सकते हैं, है ना, वीडियो को कई बार आप चला चला करके देख लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा आपको, है ना, बताऊंगा उसके संबंध में। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रिंटर कौन सा है, थर्मल प्रिंटर। इट इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ नॉन इम्पैक्ट टेक्निक। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर का उपयोग आप लोगों ने कहाँ देखा होगा, एटीएम वगैरह पे होता है, छोटे छोटे प्रिंटर्स होते हैं थर्मल प्रिंटर्स, आप लोगों ने जरूर देखे होंगे ये प्रिंटर्स।
है ना, शॉप वगैरह पे बिल निकलते हैं, इस तरह के जो प्रिंटर्स होते हैं वो थर्मल प्रिंटर कहलाते हैं। थर्मल प्रिंटर की विशेषता ये होती है कि थर्मल प्रिंटर में बैक्स आधारित रिबिन से अक्षर प्रिंट किए जाते हैं, यानी कि इसका जो रिबिन होता है उस पर बैक्स होता है लगा हुआ, जिससे इसका जो कागज़ भी होता है बहुत चिकना होता है। आपने एटीएम पे जरूर देखा होगा, एटीएम की जो रसीद निकलती है वो किस टाइप की होती है, थर्मल प्रिंटर से वो रसीद आती है और उसी के आधार पर जो है प्रिंटिंग होती है। तो ये कौन सा प्रिंटर कहलाता है आपका, थर्मल प्रिंटर कहलाता है ना। सो थर्मल प्रिंटर आपको समझ में आया होगा, ये छोटे छोटे प्रिंटर्स आपने देख रहे होंगे, ये सारे प्रिंटर्स किस कौन से प्रिंटर कहलाते हैं, थर्मल प्रिंटर कहलाते हैं। इसको थर्मल प्रिंटर क्यों बोलते हैं, इसको थर्मल प्रिंटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये गर्म करके है ना जो कागज़ है उसको जला करके प्रिंट करता है। इसकी एक विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार की इंक का उपयोग नहीं होता है, इसमें कागज़ को जला करके उसके ऊपर जो बैक्स लगा होता है, जो पाउडर लगा होता है, उसको जला करके फिर प्रिंट होती है। इसी वजह से इसका जो पेपर पर जो कुछ भी अक्षर लिखे जाते हैं वो कुछ समय बाद स्वतः ही क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। ये क्या है, इसकी विशेषता होती है थर्मल प्रिंटर की। मुझे उम्मीद है आपको थर्मल प्रिंटर समझ में आया होगा, तीनों तकनीकें आपको समझ में आई होंगी प्रिंटर्स के संबंध में, है ना, इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर। हाँ, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा इंकजेट प्रिंटर्स क्या होते हैं, लेज़र प्रिंटर्स क्या होते हैं, थर्मल प्रिंटर्स क्या होते हैं। अगर हम तीनों को एक तुलनात्मक अध्ययन करें, तीनों में तुलना करें, कंपैरिजन करें, सो सबसे तेज़ गति का प्रिंटर, सबसे अधिक मात्रा में अच्छी क्वालिटी का प्रिंटआउट निकालने वाला प्रिंटर कौन सा होता है, लेज़र प्रिंटर होता है। कलर प्रिंटिंग के लिए सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है। और छोटे छोटे पोर्टेबल प्रिंटर जिनसे कम मात्रा में प्रिंट निकल के आता है वो कौन सा होता है आपका, थर्मल प्रिंटर्स होता है। अब हम अगर नेक्स्ट देखें इसमें, नेक्स्ट है पोर्टेबल प्रिंटर। पोर्टेबल प्रिंटर इट इज़ अनदर टाइप ऑफ प्रिंटर। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रिंटर्स होते हैं। आप अगर एक चित्र में देखे होंगे, यहाँ पे आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, पोर्टेबल प्रिंटर छोटे होते हैं, वजन में हल्के होते हैं और थर्मल या लेज़र टाइप के ये होते हैं आपके, इंकजेट या थर्मल टाइप के होते हैं जिनको हम कहीं भी आसानी से ला ले जा सकते हैं। पोर्टेबल शब्द का मतलब ही होता है जिसको कहीं भी आसानी से लाया ले जाया जा सके। तो ऐसे प्रिंटर्स क्या कहलाते हैं आपके, पोर्टेबल प्रिंटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें नेक्स्ट देखें, सो ये ढोने में आसान होते हैं। ढोने का यहाँ पे मतलब है कि कहीं भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है इन प्रिंटर्स को। इनकी प्रिंटिंग गति भी सामान्य प्रिंटर से कैसी होती है, स्लो होती है, क्योंकि ये छोटे प्रिंटर होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, इस वजह से इनकी गति क्या होती है, धीमी होती है एज़ कंपेयर टू अदर प्रिंटर्स। पोर्टेबल प्रिंटर्स कहलाते हैं। कुछ डिजिटल कैमरे में तत्काल जो फोटो निकलते हैं उनमें पोर्टेबल फोटो प्रिंटर का ही उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कई कैमरे आते हैं जिनमें हमने फ़ोटो क्लिक किया और उसमें सीधे प्रिंट होकर के फ़ोटो निकले आया, तो ये पोर्टेबल प्रिंटर्स होते हैं। पोर्टेबल प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है, हम सीधे इसको अपने कैमरे से जोड़ करके भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये पोर्टेबल प्रिंटर की विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप्स ऑफ प्रिंटर, मैंने चार टाइप बताए थे, चौथे टाइप है आपका मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेज़र और इंकजेट प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, फोटो कॉपी कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे प्रिंटर क्या कहलाते हैं आपके, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर्स कहलाते हैं। ये इसकी विशेषता है, मल्टीपल टाइप्स के टास्क को परफॉर्म करने में ये सक्षम होते हैं, इसी वजह से इनको मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। ठीक है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर और या इनको ऑल इन वन प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ऑल इन वन प्रिंटर के भी नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य एक साथ उपयोग में लाए जा सकते हैं। इनकी सहायता से जैसे मैंने बताया प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। दे आर द मल्टीपल टास्क कैन बी परफॉर्म विथ अ सिंगल डिवाइस। इस वजह से इसको मल्टी
फंक्शनल प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। आजकल ज़्यादातर इसी प्रकार के प्रिंटर का उपयोग होता है। आप लोगों ने भी ज़्यादातर दुकानों में, शॉप्स में इसी प्रकार के प्रिंटर को देखा होगा, जिसमें फोटोकॉपी भी हो सकती है, स्कैन भी हो सकता है, फैक्स भी हो सकता है और प्रिंट भी हो सकता है। इसी वजह से इसको मल्टी फंक्शनल प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। कुछ मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में कार्ड रीडर का भी उपयोग होता है, ठीक है, और जो डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर के प्रयोग के बगैर सीधे इमेज को छाप सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन भी आया था आपका कि निम्न में से किस में कार्ड रीडर का उपयोग होता है, तो एक प्रिंट मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में कार्ड रीडर का उपयोग भी होता है। यानी इसमें आप कार्ड भी लगा सकते हैं और कार्ड लगाने के बाद में आपको इसको प्रिंटर को कंप्यूटर से अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे प्रिंटर में सेलेक्ट करके फाइल को प्रिंट दे सकते हैं। तो ये इसकी विशेषता है कि इसमें कार्ड का उपयोग किया जा सकता है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में, ठीक है। इसमें इंकजेट और लेज़र दोनों विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे ये मैंने पहले ही बताया था ये पॉइंट आपका, कि इसमें इंकजेट और लेज़र दोनों तकनीकों का उपयोग होता है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में। मुझे उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आया होगा। बेसिकली अगर अपन समझें कि नॉन इम्पैक्ट टेक्निक कितने प्रकार की होती है, तो नॉन इम्पैक्ट टेक्निक तीन ही प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपकी? लेज़र, इंकजेट और थर्मल, ठीक है। लेज़र में लेज़र बीम का उपयोग होता है, इंकजेट में आपका गन का उपयोग होता है जिसमें लिक्विड इंक भरा होता है और वो वाटर स्प्रे करता है जिससे कि एक इमेज छपती है। और जो आपका थर्मल प्रिंटर है उसमें बैक्स लगा हुआ पेपर यूज किया जाता है, जिसको हीट करके जला करके उस पर अक्षर छापे जाते हैं। तो ये तीन तकनीकें होती हैं। इनमें कहीं भी किसी भी टाइप की टेक्निक में आपका हमर का उपयोग नहीं होता है, कागज़ पर दबाव नहीं बनाया जाता है। इसी वजह से ये जो प्रिंटर हैं वो नॉन इम्पैक्ट टेक्निक के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे प्रिंटर्स आपको समझ में आए होंगे। पहले मैंने आपको इम्पैक्ट टेक्निक समझाई थी और इस लेक्चर में मैंने आपको नॉन इम्पैक्ट टेक्निक के प्रिंटर्स आए समझाए हैं। आपको इस वीडियो को लगातार 2-3 बार देखोगे, आप रिवाइंड कर करके देखोगे, तो आपको आसानी से और अच्छे से ये वीडियो समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।